बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। ब्लॉक जगनेर के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप गर्ग पर 7 नगर सभासदों ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए नगर अध्यक्ष जगनेर को हटाने की मांग करते हुए अविश्वास प्रस्ताव जिलाधिकारी को सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे नगर सभासद जगनेर का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष फर्जी बिल बनाकर जनता के विकास कार्यों के लिए आने वाले बजट को लूट रहा है। जहाँ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आए हम, प्रदीप गर्ग, क्या है नगर पंचायत जगनेर चेयरमैन अध्यक्ष जी, क्या आरोप है उनके ऊपर? भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो पहले भी शिकायत कही है कि हमने, और डीएम साहब ने भी साफ कर दिया है, डीएम साहब ने लिख के दे दिया है प्रमुख सचिव को, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जय विश्वास प्रस्ताव 7 लोग, 10 में से 7 लोग दे रहे हैं, अठाना और को नया चीजें सुना जाए, 7 हैं, 7 सभासद विरोध में हैं, भ्रष्टाचार की वजह से। कोई भी टेंडर नहीं, अपने घर ही सब सामान होता है, अपने घर से ही वो बिल बना करके कोटेशन लगवा करके और उनको पास करवा लेते हैं बिल को, हम अविश्वास चाहते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप गर्ग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव देने आए सभासदों का कहना है कि जिलाधिकारी एन जी रवि कुमार की जांच में भी नगर पंचायत अध्यक्ष दोषी पाया गया था। इस समय वर्तमान में प्रदीप गर्ग वहां के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी नगर पंचायत की निधि को बगैर समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित किए, बगैर नगर पंचायत नियमावली के उन्होंने फर्जी बिल कोटेशन लगाकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हमने रखा, उन्होंने प्रमुख सचिव महोदय के लिए अध्यक्ष प्रदीप गर्ग के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की दोष सिद्ध करते हुए अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया है, उसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है सर। इसी संदर्भ में नगर पंचायत जगनेर के 10 में से 7 सभासद अविश्वास प्रस्ताव लेकर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कराने को लंबित है। आज जिलाधिकारी महोदय आगरा के यहाँ नगर पंचायत जगनेर से प्रदीप कुमार अध्यक्ष नगर पंचायत जगनेर के विरुद्ध 10 सभासदों में से 7 सभासद अविश्वास लेके आए हैं। अविश्वास का कारण यही है, घोर अनियमितता, नगर निकाय के नियमों के विरुद्ध कार्रवाई और निकाय के विरुद्ध शासन द्वारा जितनी भी धनराशि का वित्तीय अनुपालन नहीं किया गया है, उन अनुपालनों के अंतर्गत मनमानी करके अपना क्रय सामान करके घर पर रखा गया है और घर पर ही रखकर उसको अपनी जेब में रख ली जाए, कहीं भी नगर पंचायत के विकास कार्य में नहीं लगा गया है। निकाय अधिनियमों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी महोदय आगरा द्वारा शासन को अवगत कराया गया है। शासन द्वारा अभी तक निकाय के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई न होने के कारण नगर पंचायत की बैठकों का बार बार बहिष्कार किया गया है सभासदों द्वारा, और सभासदों द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने आए हैं। जिलाधिकारी ने शासन को नगर पंचायत अध्यक्ष प्रदीप गर्ग के खिलाफ रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भ्रष्ट प्रदीप गर्ग बना हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव देने आए सभासद नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाकर कोई ईमानदार और विकास कार्य को अंजाम देने वाला नगर पंचायत अध्यक्ष चाहते हैं। कौन सी बातचीत से जानकारी मिली है कि जिलाधिकारी एन जी रवि कुमार ने हर संभव न्याय का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि नगर पंचायत जगनेर को भ्रष्ट नगर पंचायत अध्यक्ष से कब तक निजात मिल पाता है। 7 इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।